आज हम पहुंच गए हैं केदारनाथ धाम। दोस्तों, केदारनाथ धाम एक चार धामों में से एक धाम है जो कि बहुत ही पवित्र धाम है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह की मॉर्निंग में हम पहुंचे नंदी कैंप। दोस्तों, सबसे पहले नंदी कैंप आप पहुंचोगे और केदारनाथ धाम पर जब आप पहुंचोगे तो वहां पर पहुंचने के बाद क्या क्या आपको करना है और किस प्रकार आप केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाओगे, कितनी लंबी लाइन मिलेगी आपको और कहां से आपको प्रसाद खरीदना है और क्या क्या आपको करना, वो सारी डिटेलिंग वीडियो आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हो जो गेट बना हुआ है, इसके राइट हैंड्स को जो आप देख रहे हो, ये एक लंबा सा त्रिपाल लगाया हुआ है, यहाँ पर होता है हमारा रजिस्ट्रेशन चेक। और अभी हम एंट्रेंस कर चुके हैं केदारनाथ धाम के अंदर। दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे बहुत सारी शॉप आपको मिलेगी जहाँ से आप यहाँ पर प्रसाद खरीद सकते हो और दोस्तों आगे बढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूं, प्रसाद आपको मंदिर के अंदर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर प्रसाद थोड़ी कॉस्टली होगी। यहाँ से आप खरीदोगे वही प्रसाद आपको थोड़े कम रेट में मिलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप यहीं से प्रसाद खरीद के आगे की तरफ बढ़ें। और जो भी ये मार्केट पूरी बनाई गई है जहाँ पर आपको खाने का, पीने का और रहने का और स्नान करने का हर प्रकार की आपको यहाँ पर सुविधा की दी गई है जो कि आपको यहाँ पर मिल सकती है। मैं आपको बता दूं, अभी इसकी राइट साइड में एक रास्ता बनाया गया है दोस्तों, जो कि एक नया रास्ता है। मैं आपको बता दूं, 2013 के बाद यहाँ का जो मेन रास्ता था वो पूरे तरीके से खंडित हो चुका है और ये जो ट्रैक है ये थोड़ा लंबा है। और आपको बता दूँ, आज की जो भीड़ है वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में है। और अभी आप देख रहे हो, अभी हम साइड से जा रहे हैं और बहुत सारी शॉप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। और देखेंगे यहाँ का जो नज़ारा है, सुबह का जो नज़ारा होता है वो क्या होता है कि बहुत ठंड होती है, कभी बारिश होने लग जाती है तो कभी कोहरा होने लग जाता है यहाँ पर, और कभी उजाला हो जाता है। मतलब मौसम हर 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद बदलता रहता है। अभी क्या होता है, सबसे पहले ये ब्रिज पार करके आप देखेंगे ये कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। दोस्तों, यहाँ से जो लाइन है ये लाइन का एंड है और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ कितनी लंबी लाइन है। दोस्तों, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ का वातावरण, तीन से चार घंटे हमें लग गए इस लाइन में आज, क्योंकि आज थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप आएँ तो सुबह टाइम से लगें। देखेंगे ब्रिज जो सामने वाला है पूरा लंबी लाइन लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हो ओम बना हुआ है, इसके सामने लोग फोटो सेक्शन कराते हैं, लेकिन पहले रास्ता यहीं से जाता था। अभी ये पूरे इसको बंद कर दिया गया है, अभी यहाँ पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है, तो इसलिए जो भी जो लाइन बनाई हुई है वो घूम कर बनाई गई है, जो कि नया रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ का वातावरण आप देखेंगे, देखिए पूरे तरीके से कोहरा छाया हुआ है, काफ़ी ठंड हो रही है सुबह सुबह। दोस्तों, अभी हम सुबह उठे तो बिल्कुल साफ मौसम था, लेकिन अभी आप देखेंगे एकदम मौसम है वो पूरा कोहरा छा रहा है, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। और सुबह के 10 बजने को है और मौसम आप देखेंगे, देखेंगे ये जो पुल है इसको बनाया जा रहा है, अभी पूरे तरीके से बन के तैयार नहीं हुआ है। दोस्तों, ये देखिए, देखिए किस तरीके से छोटे छोटे झरने आके इस एक नदी में मिल रहे हैं जो ऊपर से आ रहे हैं पहाड़ों से। और हम आपको पहाड़ दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है। और ये देखिए कितना पवित्र और स्वच्छ पानी है। ये देखिए अभी क्या हुआ, अभी 15 से 20 मिनट पहले बहुत ज़्यादा कोहरा था, अभी आप देखेंगे नीचे का मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है। ये आप देखेंगे अंदर से एक पूरा रेलिंग के साथ में लाइन बनाई गई जो कि बहुत लंबी लाइन है। दोस्तों, हमें क्या है, हम लाइन की साइड में से चल के आगे आ रहे हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइन में बहुत पीछे छोड़ गया है, जो कि मेरे साथ के जो फ्रेंड थे वो बहुत पीछे हैं अभी, और मैं आपको दिखाने के लिए साइड वाली रेलिंग से आगे आया हूँ। तो आप देखेंगे काफ़ी लंबी लाइन है दोस्तों,
आप यहाँ आएंगे तो आपको काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। मेरा मानना है कि आप सुबह सुबह एंट्री करें, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ कम होती है। आप जितना थोड़ा लेट हो गए उतनी ज़्यादा आपको भीड़। सुबह 4 बजे से 11 बजे तक कपाट खुले रहते हैं, फिर उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं, फिर 1:30 बजे 1 बजे कपाट खुलते हैं, फिर रात के 8 बजे तक खुले रहते हैं। ये देखेंगे ऊपर से एक झरना है जो कि बहुत ही सुंदर है। ये जो है, जो लाइन है पहले सीधी आएगी, फिर राइट की तरफ राइट मुड़ जाती है, और अभी भी देखेंगे आप काफ़ी लंबी लाइन है ये वाली भी। इसके बाद भी आपको कम से कम 500 मीटर और लंबी लाइन बनाई हुई है, जो कि घुमाकर बनाई हुई है, घुमावकार उसको रूप दिया गया है। ये यहाँ पर बैरिकेड लगाया हुआ है सामने, और यहीं से ही मंदिर बिल्कुल सामने है, लेकिन लाइन को घुमा दिया गया है। देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से लाइन को आपको 2 बार राउंड करके घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि उसी लाइन को घुमाया गया है। देखिए, 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 के डबल 4 पार्ट हैं। और ये आप देखेंगे, ये है मेन जो लाइन है, यहाँ से पूरा घूम के आपको वहाँ पर जो मंदिर के मेन एंट्रेंस गेट है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ये है बाबा केदारनाथ जी का मेन जो धाम है, जहाँ पर मूर्ति स्थापित है। ये है मेन जो मंदिर है बाबा केदारनाथ जी का, वो हम आपको पूरा दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, आपका ये वातावरण देखेंगे बिल्कुल साफ़ है नीचे से, लेकिन ऊपर की तरफ अभी भी कोहरा है। ये आप लाइन देखेंगे, देखेंगे कितनी तादाद में भीड़ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरे फ्रेंड अभी भी कम से कम 1 किलोमीटर पीछे लाइन में लगे हुए हैं, और मैं अभी आगे आ गया हूँ ताकि वीडियो आपको दिखाने के लिए। मतलब बहुत ही ज़्यादा तादाद में भीड़ होती है। अगर आप आएँ तो आप सुबह सुबह लाइन में लगे, कम लोग मिलते हैं आपको सुबह सुबह। अगर आप 8 बजे के बाद लाइनों में लगना स्टार्ट करेंगे, 8-9 बजे के समथिंग, तो बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने की मिलेगी। फिर उसके बाद आप लगें तो आप शाम को लगें, शाम को भी थोड़ा सा भीड़ कम हो जाता है। और ये आप देखेंगे, ये पूरा जो तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।